क्या बोल रहा हूँ तुमको, अभी उनके पास रसीद है, उनके पास तो हर बार आती है, हर बार बीते दिनों छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा लंपी वायरस के चलते गौवंश को एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले और क्षेत्र से अन्य जिलों में ले जाने पर रोक लगा दी गई थी, परंतु 23 जून को इस आदेश की समाप्ति होते ही भारी भरकम मात्रा में मोहगांव बैल बाजार में बैल देखने को मिले और फिर 12 बजे ही 100 से अधिक बैल पांडुना मार्ग होते हुए मेहगांव के कुछ गौ सेवकों द्वारा बैलों को रोका गया और रसीदें देखी गईं, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा 10 के झुंड में बैलों को ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया गौ सेवकों द्वारा। जिला अधीक्षक विनायक वर्मा से क्षेत्र में होने वाली कमेंट तस्करी पर रोक लगाने के लिए बातचीत की गई, जहां जिला अधीक्षक ने थाने की टीम को मौके पर भेजा गया। थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर गौ सेवकों युवाओं को समझाया और रसीदे चेक कर बैलों को छोड़ दिया गया और नगर अध्यक्ष और पार्षद नितिन को बैल बाजार बंद कराने के लेकर चर्चा की गई, जिस पर नगर अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि आने वाले मंगलवार तक बाजार बंद कराने के प्रयास किए जाएंगे। सौसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धीरज सिंह चंदेल के साथ ओम सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्या बोल रहा हूं तुमको, अभी उनके पास रसीद है, हम प्रशासन पे दबाव नहीं डाल रहे, प्रशासन पे दबाव नहीं डाल रहे, हम हमारे ये देखो अभी पूरे इसके